ಸಂಯೋಜನ್ಯತ್ವ ಭಾವಾಚ್ಯ ನ ತತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಭಾವೇಪಿ ಸ್ಮರಣತ್ವ ಅನುಪತ್ತಿ. ಕದೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ತತ್ತ ಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೋನಾ ಅಧಿಕ ಲೋಕ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾನ್ ಕಬ್ ಹುವಾ ತಾ ತತ್ತ ತದ್ದೇಶ ತತ್ತಾ ಕೋಯ್ ನಾ ಕೋಯ್ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಸ್ಮರಣ ಮೇ ದೇಶ ಔರ್ ಕಾಲ ಕಾ ಉಕ್ತಿ ತದ್ದೇಶ ತತ್ಕಾಲ್ ಮೇ ಕುಛ ನಾ ಕುಛ ಉಕ್ತಿ ತೋ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಔರ್ ಯಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ತೋ ಆಪ್ ಕಾಲ ಉಕ್ತಿ ತೋ ನಹೀ ಕರ್ ರಹೇ. ಕದೆ ನಹೀ ಅಹಂ ಸುಗಮ ಅಸ್ವಾದ ಸಂ ಭೂತ್ ಕಾಲ ಕಾ ಬೋಧ ಕರಾತಾ ಹೈ. ತತ್ತ ತದ್ದೇಶ ಕಾ ಬೋಧ ನಹೀ ಕರಾ ರಹೇ. ಕಹಾ ಅನುಭವ ಹುವಾ ಆಪ್ಕೋ ಕಿಸಿ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ನಹೀ ಸಬ್ರ ಕಹಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಜೊ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಾ ಹೋ ಕಹೇಗಾ ಪೂರಿ ತತ್ ನಾಡಿ ಯೇ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಹುವಾ ಯೇ ಸಬ್ ಬೋಲೇಗಾ. ನಹೀ ತೋ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕೋ ಪೂಛೋ ಕಹಾ ಹುವಾ ಅವರೇ ಖೋಪಡಿ ಮೇ ದಿಖ ರಹಾ ತಾ ಕಹಾ ದಿಖ ರಹಾ ತಾ ಛೋಡೋ. ಮೋಟಾ ಬುದ್ಧಿ ವಾಲಾ ಯೇ ತೋ ಕಹೇಗಾ ದಿಖಾ ಹಮ್ಕೋ वाली बोल जोर दो भाई बाहर दिखा गया उधर दिखा गया इधर दिखा गया ऐसे उसको घुमा फिराओ थोड़ा तो वाले खोपड़ी में दिख रहा था यही कहेगा अधिक से यही बोलेगा. ये नाड़ी वाड़ी का बोध तो उसको है नहीं बेचारे. यहां पर बात यही करे इसलिए अंतकरण उपराग कालीन अनुभव जन्य स्वभाव अच्छा अंतकरण रूपी उपाधि से उपराक्त होकर के चैतन्य जिस काल में अवस्थित है संबंध उपाधि से उपहित होना उपराग कहते हैं. जैसे कुसुम को उपराग हो गया आपने जब आप कुसुम यहां रखा उस कुसुम के वजह से क्या हुआ पूरा दर्पण लाल सा दिखने लगा. तो कुसुम के रूप का उपराग से उपरक्त हो गया दर्पण ये शब्दावल प्रयोग होता है. इसी प्रकार यदि अंतकरण रूपा चीज अहम नाम का चीज यदि होता उससे उपरक्त होकर के आपको अहम इत्याकार की अनुभूति होनी चाहिए इन होता नहीं. अंतकरण उपराग कालीन अनुभव जन्यत्व भाव अनुभव जन्यत्व न होने से न तत्ता उल्लेख अभाव अभाव अपनी स्मरणत्व अनुपत्ति तत्ता उल्लेख अभाव न होने पर भी स्मरणत्व में अनुपत्ति दोष नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि स्मरण ही तत्वोल्लेख नियम अभाव स्मरण में सदा तत्ता का उल्लेख होना चाहिए यह कोई नियम नहीं है. अहम मातरम स्मरामी अहम मातरम स्मरामी वर्तमान काल में प्रयोग कर रहे हैं आप स्मरामी. यहां तो अस्वाप से बोलते भूतकाल कुछ दिख भी रहा है अम्मा सामने है नहीं कहां है पता नहीं हो सकती मर गई हो तो आप बोल रहे अहम मातरम स्मरामी कैसे बोल रहे हैं आप क्या स्मृति नहीं है. स्मरामी शब्द धातु का ही प्रयोग कर रहे हो. स्मृति तो है ही वस्तु हो या ना हो या तत्ता का बिल्कुल उल्लेख नहीं है न तो देश का न तो काल का. जहां आपने कभी माँ को देखा होगा वह माँ हो या उस जगह या नहीं है जीवित है या मरी है उसे कोई लेन देन नहीं उस काल से उस देश से वस्तु तक से भी मतलब नहीं है. इन आप कह रहे हैं अहम मातरम स्मरामी. इसलिए एक सामान्य स्मृति में तद्देश और तत्काल का उल्लेख होना कोई जरूरी नहीं. स्मरणे तत्व उल्लेख नियम अभावाच जागृत दशायाम अस्वाप्समिति अनुभव अनुपपत्त है. इसे जागृत दशा में अस्वाप्सम यह अनुभव भी उपपन्न नहीं है. लिंगाभावेन आश्रया सिद्ध्या च अनुमानस्य असंभवात. और प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है कि जागृत में आने के बाद सुषुप्ति का अनुभव होता है क्या. जागृत में आ गए तो सुषुप्ति तो रहा ही नहीं. जब जागृत दशा में आने के बाद आप बोल रहे अस्वाप्सम कौन सी काल में अस्वाप्सम. जागृत पूर्व काल में क्या एक जागृत पूर्व काल में अनुभव हुआ था तो जागृत काल में आने के बाद उस अनुभव का स्मरण कौन कराए आपको. तो संस्कार कहां से आए. समस्या है प्रत्यक्ष तो है नहीं. वो सुषुप्ति का प्रत्यक्ष जागृत में नहीं है. अतः जागृत में आकर के अस्वाप्सम कहना ही अनुपन्न. कैसे कैसे वो कह रहे हो आप. क्योंकि अनुमान ही करना पड़ेगा ना. हमेशा भूतकालीन चीज के लिए वर्तमान में कोई लिंग प्राप्त हो तो अनुमान करेंगे आप. यहां कोई हेतु ही नहीं है. लिंगाभाव भाई यहां पर आप देखें काला है तब कहेंगे अत्रा धुमासित. यज्ञशाला में पोता ही नहीं हो रखा है काला दिख रहा है तब कहोगे अत्र धुमासित कदाचित काले.
लेकिन प्रत्यक्ष में हमें वहां कालापन दिखा और लिंग है मेरे पास, जिसके आधार पर भूतकालीन धूम और अग्नि का हम अनुमान कर सकते। लेकिन यहां जागृत में आने के बाद ऐसा कौन सा लिंग है सुषुप्ति का मेरे पास जिसके अगर मैं अनुमान कर सकूं, तब कहूं कि भूतकाल में मैं सोया था, सुप्र सोया था उस काल में, कोई लिंग चाहिए। लिंगाभावेन आश्रय सिद्धिया च, और तीसरे से लिंग ढूंढ भी लोगे तो आश्रय से दोष मिलेगी उसमें। देखिए टीका में थोड़ा, इसीलिए यहां बहुत सुंदर बात है, नहीं बना सकते है? स्मृति होता है ना, उसी को लिंग नहीं बना सकते। नहीं, हम स्मृति का बीज तो पूछ रहे हैं, स्मृति होने के लिए कोई लिंग चाहिए। जैसे हम मात्रम स्मरामि भी हम बोलते हैं, क्यों स्मरण हुआ? आपने अपनी माँ के सदृश किसी और देवी को देखा या मंदिर में ही गए तो देवी का मूर्ति वगैरह आपको मां स्मरण आ गई? मैंने लिंग तो चाहिए, स्मृति के पीछे संस्कार क्यों जागृत है? नहीं तो 24 घंटे संस्कार जागृत हो रहे, क्यों नहीं होता? अनंत संस्कार आपके पास पड़ा है, थोड़ा सा है क्या? सारे संस्कार जगने लग जाए जब चाहे तब, भाई संस्कार जग रहा है, सुषुप्ति के संस्कार क्यों जगे? सुख का संस्कार क्यों जग रहा? अनेक संस्कार है आपके पास, मैंने उस संस्कार को जगने के लिए कोई बाह्य निमित्त चाहिए, बिना निमित्त का संस्कार जग नहीं सकता। वो लिंग उसको हम कहते हैं लिंग ज्ञापक, कोई ज्ञापक चाहिए, वह ज्ञापक से संस्कार जगेगा तो स्मृति हो जाएगी, और कोई ज्ञापक मिलेगा नहीं यहां पर जागृत में। सुषुप्ति में जो था उनमें से कोई चीज नहीं बची, तीन चीज बताया आपको, अवस्था अज्ञान आकर वृत्ति, वो यहां रहेगी क्या? क्यों अवस्था ही नहीं रह गई, और उस अवस्था की अज्ञान आकर वृत्ति कहां से आएगी? एक चीज है जो वहां तो यहां है, साक्ष चेतन, साक्षाकार अविद्यावृत्ति माना ना उसने, तीन माना है, साक्षाकार अविद्यावृत्ति है, ठीक है, ये नहीं सुखाकार वृत्ति है अविद्या की, और तीसरी अवस्था अज्ञानाकार वृत्ति है। यह अवस्था का अज्ञानाकार वृत्ति जागृत में नहीं मिलेगी, यह अवस्था ही नहीं रहेगी तो अज्ञानाकार वृत्ति कहां से होगा इस समय? हाँ, सुखाकार वृत्ति समय है नहीं, इंद्रिया जिन हो गए हैं, सांसारिक दुख को अनुभव कर रहे हैं। एक चीज है साक्षाकार अविद्याकार वृत्ति यहां भी संभव है, यद्यपि यहां पर निश्चित रूप से नहीं कह सकते उसको भी कि जब जग जाता हूं अविद्या का वृत्ति नहीं खत्म हो जाती, अंतकरण अवचन आ गया ना, अब क्यों साक्षी नहीं रह गया? अब अंतकरण आ चुका कार्य करने में, कार्यक्षम हो चुका है, अब अंतकरण अवचन वृत्ति चैतन्य होकर के ही हमें साक्षी का भान होता है। केवल साक्षात्कार अविद्याकार वृत्ति कैसे बनेगा? इसी का कहना है, यदि मान भी लिया जाए साक्षी होने के कारण से, साक्षी विषय का अविद्याकार वृत्ति को एक क्षण के लिए जागृत अवस्था मान भी लूं तो भी आश्रय सिद्ध दोष हो जाएगा। इसे दो हेतु दे रहे, एक तो लिंग है नहीं सबसे पहली बात, कि वहां का कोई भी चीज यहां पर हो नहीं सकता, एक भी अतः निमित्त में नहीं मिल सकता है, तो सदृश भी कुछ नहीं आ सकता यहां पर जो हमें संस्कार को जागृत कर सके। फिर भी मान भी लिया जाए किसी प्रकार से किसी हेतु को, साक्षात्कार अविद्याकार वृत्ति यहां भी मान लेते हैं तो भी आश्रय से भी दोष आता है। देखिए अनुमान नीचे दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ननु जागरे सुषुप्ति है प्रत्यक्ष मास्तु, जागृत काल में सुषुप्ति का प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता। अवस्था अज्ञानम मनोलयश्चिति द्वयमी सुषुप्ति, क्योंकि अवस्था का ज्ञान और मनोलय इसी का नाम सुषुप्ति है। तत्र आद्यम जागृत कालीन धिया नष्टत्वा, अवस्था का ज्ञान तो जागृत काल की जैसे अंतकरण प्रकट हो गया उस समय वो अविद्या नष्ट, वो अज्ञान खत्म हो गया। द्वितीय अयोग्यत्वात्, पहले मनोलय था और उस समय मन उसको ग्रहण ही नहीं किया कुछ भी वहां, तो यहां करके मन को कैसे स्मरण आएगा? अतः वो भी अयोग्य हो रखा है। अयोग्यत्वात् नष्टत्वाच्च, और वो वृत्ति सुषुप्ति का वृत्ति इस समय नहीं, जो मन पकड़ ले उसको कहें सुषुप्ति नष्ट हो चुकी है, आते व ना प्रत्यक्ष, हेतु का प्रत्यक्ष ही नहीं है तो साध्य का अनुमान कैसे करोगे? भाई वन्नी का कहीं अनुमान करना है तो हेतु धूम का प्रत्यक्ष होना जरूरी है, पर्वतो वन्नीमान धूमात, धूम प्रत्यक्ष हो रहा है
तभी आप पर्वत बनी किसी भी कर सकते हो, और यह कोई हेतु का ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ कोई भी, तो अनुमान ही नहीं हो सकता। और आगे तो क्या करे, द्वयमी अनुमितिस्तु स्यात् तत्राह, फिर भी यदि आप अनुमति करना चाहते हैं तब कहते हैं सबसे पहले बात लिंग तो है नहीं, सर अनुमति नहीं हो सकती। तब स्वप्न जागरण योर मध्य काल सुषुप्तिमान, एक अनुमान कर लो स्वप्न और जागरण इन दोनों के बीच में एक अवस्था कुछ था, ठीक। स्वप्न जागरियोर मध्य काल, मध्य काल कैसा है, सुषुप्तिमान, मैं सुषुप्ति वाला था उस समय, ज्ञान सामान्य अभावात, कि जो ज्ञान सामान्य का उस समय में अभाव होने के कारण, अतएव जन्य ज्ञान सामान्य भावाद्वा, अथवा ज्ञान सामान्य भाव तो कह नहीं सकते क्योंकि चैतन्य तो वहां भी है ना, ज्ञान सामान्य में ब्रह्म चैतन्य वो तो रहता है, इसलिए जन्य ज्ञान सामान्य भावाद्वा दूसरे हेतु देगी, इति अनुमान न संभवती। आद्यो ही न हेतु असिद्धत्व, आद्य जो है हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि अपने आदि पक्ष है ज्ञान सामान्यत्व, ज्ञान सामान्य तो चैतन्य सामान्य नहीं था, ज्ञानमेव चैतन्यम, वो नहीं था कह नहीं सकते, सुषुप्ति में ज्ञान था, आप थे चैतन्य तो त्रिकालाबाध्य, जो चैतन्य है जो विशुद्ध ज्ञान है वो त्रिकालाबाध्य, सभी अवस्थाओं में रहने वाला चीज है, उसका अभाव का कथन आप नहीं कर सकते, हेतु पक्ष में न होने का नाम ही आश्रय सिद्धि दोष है। अच्छा ज्ञान सामान्य हेतु आपका पक्ष होता स्वप्न और मध्य काल, स्वप्न जागृत के मध्य काल रूपी उस काल में भी चैतन्य है, ज्ञान है, ज्ञान सामान्य चैतन्य सामान्य है, अतएव वहां पर ज्ञान सामान्य अभाव आदि हेतु नहीं रहा, तो आश्रय सिद्धि दोष हो गई। हाँ पक्ष हेतु अभाव आश्रय सिद्धि, पक्ष ज्ञातुम अशक्यत्व, अच्छा अतएव न द्वितीय, इसीलिए भी द्वितीय पक्ष भी खंडन हो जाता है, जन्य ज्ञान भी नहीं है, आपने कहा जन्य ज्ञान भाव अच्छे जो कहते हो यह भी किसने अनुभव किया, वहां पर जन्य ज्ञान नहीं था, ये कैसे ये हेतु कैसे बने, उस काल में जन्य ज्ञान नहीं था, जन्य ज्ञान नहीं था ये भी नहीं कह सकते आप, क्यों, उस समय स्वप्रज्ञान संस्कार रूपण विद्यमान था, क्या आपने कहा स्वप्न को लेकर अंतःकरण अंदर घुस गया है, स्वप्न क्या है, जन्य ज्ञान है ना, जब उसको लेकर अंदर गया है तो वह जन्य ज्ञान है, तो जन्य ज्ञान समान अभाव कहां मिलेगा आपको वहां, अतः वे भी हेतु आश्रय सिद्धग्रस्त हो, दोनों हेतु चले गए, अतः द्वितीय न च तत्काल विशिष्ट रूपेण कस्याप्य स्मृते है तत्काले जन्य ज्ञान सामान्य भाव अनुमेय, कहते एक अनुमान या दूसरे अनुमान, हेतु के लिए भी और अनुमान करना पड़ेगा, वो कहते ऐसा करो तत्काल में सुषुप्ति काल विशिष्ट रूपेण, सुषुप्ति काल से विशिष्ट होकर के किसी जन्य ज्ञान का सुषुप्ति काल में अनुभव नहीं था, अतएव सुषुप्ति काल में जन्य ज्ञान का अभाव मान लो, एक अनुमान और करो, सुषुप्ति काल जन्य ज्ञान अभाववान, जन्य ज्ञान अपरोक्ष अभावात, सुषुप्ति काल कैसा है, जन्य ज्ञान के अभाव वाला है, क्यों, वहां कोई भी जन्य ज्ञान का अपरोक्ष होता नहीं है, तन्य में था जागृतम, व्यतिरिक अनुमान कर लो, इससे हम सिद्ध कर लेंगे जन्य ज्ञान का अभाव, कहते ये भी नहीं हो सकता, यदा ही अनुभव हो जाए थे तथा तत्काल विशिष्टम स्वविषम सगृणाति, सामान्य में जब जो अनुभव हुआ करता है वह अनुभव निश्चित रूप में उस समय में तत्काल विशिष्ट अपना विषय को ग्रहण करता ही है, तत्काल विशिष्ट अपना विषय को, जैसे आम घटम जब देखा और ज्ञातो घटो मया, जो मैं बोलता हूं वहां पर उस घट का काल और देश सब साथ गृहित, कहो ना कहो, तभी आप कहते अरे अभी मैंने तो यहां देखा था कहां चला गया, ये क्यों बोलते, आपने घट को जब देखा यदि उसके साथ आपको काल का यदि प्रत्यक्ष नहीं हुआ है वर्तमान काल का, दो मिनट बाद किसी ने उठा के ले गया था, आप बोलते कि नहीं अभी तो मैं यहां देखा था कहां गया, ये कैसे बोल सकते हैं आप, इसका तो कोई भी ज्ञान होता है आप कहिए या न कहिए उसमें विशेष रूप में कथन करो ना करो, लेकिन देश काल अवश्य ही ग्रहण होता है, अतः सुषुप्ति काल में जन्य ज्ञान का अभाव होता
उसका अनुभव यदि हो गया होता उस काल रूपी विशेषण से विशिष्ट की अनुभूति होनी चाहिए थी। देश काल छोड़ के विषय का ज्ञान होता ही नहीं, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अतएव इस अनुमान से भी आप जन्य ज्ञान अभाव को उस काल में सिद्ध नहीं कर सकते। न सगृणादि ततश्च तद्रूपेण स्मृते उत्पत्ति स्यात्, फिर स्मृति भी क्या होगी, तत्काल विशिष्टत्व नहीं स्मृति भी होगी। यद काल विशिष्टानुभूति हुई है तत्काल विशिष्ट को लेकर के आप बाद में स्मरण भी करेंगे। जैसे स्वयं देवत में ही तो कहा तद्देशावचन तत्कालावचन यो देवता स एव अयम एतद्देशावचन तत्कालावचन देवदत्ता, स्वयं ही होता है। फिर उसके लिए हम लोगों को भी समस्या खड़ी हो गई तत्वमसी में, तब भागत्या लक्षणा करना पड़ा। नहीं देवे तत्व में क्या होगा, तद्देश तत्काल देखनी पड़ेगी, फिर मानना पड़ेगा ब्रह्म के ऊपर बैठा हुआ है किसी देश में, उसकी अपनी कोई काल में रह रहा है, तद्देश तत्कालावचिन तत् है और तद्देश तत्कालावचिन अहम है तत्वम। तब का भागत्या लक्षणा करके सब उपाधियों को छोड़ो, केवल उपहित मात्र ग्रहण करना ही यहां महावाक्य का तात्पर्य होता है। हमेशा स्मृति में क्या होता है, तत्काल आदि सामान्य में न कथन करने पर भी ग्रहण हो जाता है। तदभावाच्च तादृश ज्ञानाभाव इति अनुमान संभव इति नवाच्यम नचवाच्यम शुरू, ऐसा अनुमान की संभावना भी आप नहीं कह सकते। ज्ञानस्य स्मृति जनकत्व नियमात, सबसे बड़ी एक और बड़ी बात कह दिया, ज्ञान हो उतरे मात्र से स्मृति हो गई है कोई जरूरी नहीं। जो ज्ञान अपना अंदर में छाप छोड़ जाता है, एक संस्कार छोड़ जाता है, वो संस्कार ही स्मृति का कारण होता है, ज्ञान नहीं। बहुत सारे ज्ञान हो रहे हैं उसके संस्कार बनते नहीं, इसलिए भूल जाते हैं, स्मृति होती नहीं। गाड़ी चलाते जा रहे, बस में जा रहे, तो कितने बोर्ड पढ़ते रहते हैं, सब याद होता है आपको। जिसका आपने विशेष ध्यान दिया कोई बोर्ड पे, उसका तो याद, संस्कार बनती है तो याद रहेगी, और नहीं। इसे ज्ञान तो हो रहा है, चक्षु ने देखा, आपने पढ़ भी लिया बोर्ड को, इसके संस्कार बना नहीं, अतः बाद उसकी स्मृति नहीं होती। इसलिए मान भी लिया जाए सुषुप्ति काल में जन्य ज्ञान अभाव का अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ आपको, जन्य ज्ञानों का अभाव है, ऐसा ज्ञान भी हो जाए, लेकिन उसके संस्कार वह पैदा नहीं हो पाया। क्यों संस्कार, क्यों, अंतकरण जब तक पकड़ेगा नहीं उस ज्ञान को, अपने संस्कार पैदा नहीं करने देगा। अंतकरण विशेष ध्यान के साथ जिसको ग्रहण करता है तभी उस विषय का अंतकरण में संस्कार बनता है, और सुषुप्ति में क्या हो रखा है, अंतकरण में बाबा सो रखा है, इसलिए वो वह ज्ञान कुछ भी हो रहा है लेकिन अंतकरण से सीधे ग्रहण करता नहीं, अतएव अंतकरण से संस्कार भी नहीं पड़ेगा, इसलिए से स्मृति भी। तस्मात लिंग असंभव आश्रय सिद्धिश्च तत्काल से अनुपस्थित तत्पात, ये तत्काल की उपस्थिति हो ही नहीं सकती है, स्मृति रूप न संभव होती। जब पूर्व पक्षी कहता है तुम्हारा अहम सुगम अस्वाब से नहीं, स्मृति भी नहीं हो सकेगी, सारी स्मृति अच्छा पड़ती है। अहम अस्वाब समिति स्मर्यमाण अहंकार से पूर्व मन अनुभवात, आगे ना टीका में अवतरणी का, क्योंकि आप अहम सुगम अस्वाब समय जो अहम बोल रहे हो, क्या सुषुप्ति में अहम ने अनुभव किया था, आपका अनुभव सो गया, लय हो गया, और फिर उसकी स्मृति कहां से आ गई, जिसका अनुभव ही नहीं हुआ उसका संस्कार भी नहीं बना, स्मृति हो रही है। इसलिए अहम सुखम अस्वाप समी झूठा पूर्व पक्ष करता है, झूठ बोल रहे अहम अस्वाप समी जो स्मर्यमाण अहंकार से पूर्वम अननुभवात, पूर्व मने सुषुप्ति काले अननुभवात, पूर्व अनुभव तत्रहा सुषुप्ति अहंकार इत्यादि, तब अगला पंक्ति शुरू होता है। देखिए अहंकारस्तु उत्थान समय एव अनुभूयते, अहंकार का अनुभव कब होता है, उत्थान समय में, सुषुप्ति से हम जागृत जब आने लगते हैं उस उत्थान समय में अहंकार खड़ा हो गया, अंतकरण जग गया, तभी तो जागृत में आए। लेकिन विचार वो जो अहंकार उत्थान समय में आया उसका संबंध आपने सुषुप्ति कालीन सुख के साथ कैसे जोड़ा, शंका होगी कि नहीं होगी, मान भाई जागृत काल में अहंकार आया, सुषुप्ति में था नहीं,
सुषुप्ति हमने सुख देखा और वो सुख अब जागृत में है नहीं, दोनों का संबंध जोड़ के स्मृतिया कारण कथन कैसे कर रहे हो? ये नहीं बात कहते। देखिए बहुत सुंदर दृष्टान देकर वही दर्पण का, अभी पुष्प का दृष्टान दिया था ना, दर्पण का देंगे देखना। सुषुप्त लीनत्व तस्यानुभूतत्वात् स्मरण अनुपत्ते है कि सुषुप्ति में वह अहम लीन हो गया था इसलिए वह अनुभव का विषय होता ही नहीं है, स्मरण हो नहीं सकता। सुख प्रतिबिंब आश्रय दर्पणे जपा कुसुम लौहित्यध्यास न रक्तम मुखमिति प्रतीतिवत अहंकाराश्रयतया साक्षी चैतन्य स्मरणाश्रयत्वाद अहम अस्वाप्समिति सामनादिगण प्रतीति ही न पुनर अहम सुकीतिवद आश्रयतया प्रतीति स्या। कहते देखो आप तो अपना चेहरा देख रहे हैं दर्पण में, दर्पण में आपने चेहरा देखा और चेहरा लाल दिख गया, दर्पण तो लाल नहीं था ना, चेहरा आपका लाल है क्यों? पहले भी देखते आ रहे हैं जन्म से, आप अपने चेहरे को या तो गोरा देख रहे हैं या सांवला देख रहे हैं, जो भी रंग अपना अपना दे वही रंग देख रहे हैं हमेशा, और आज लाल हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई तो हुआ नहीं था तो क्यों लाल दिखा? वास्तव में उस दर्पण के सामने किसने कुछ पुष्प रख दिया लाल लाल रंग के, लाल रंग का पुष्प के कारण से लाल रंग से अनुरक्त था, उपरक्त था दर्पण, और लाल रंग वाला से उपरक्त दर्पण में आपने अपना चेहरा देख लिया तो आपको भ्रांति हो गई कि मेरा चेहरा लाल, ब्लड प्रेशर चेक करोगा। तद्वत यहां पर क्या हुआ है, हम सुषुप्त से जागृत में आ गए, सुषुप्त से हम जागृत, जागृत में जब आ रहे हैं आपका जो साक्षी बता विद्यावचिन चेतन जो जीव चैतन्य है किससे उपरक्त था? सुषुप्ति का सुख से, सुषुप्ति का सुख से उपरक्त आपका जीव चैतन्य था, अब उस जीव चैतन्य में उपरक्त जो सुख को युक्त जीव चैतन्य क्या किया, अब अपने अहंकार से जग गया, अहंकार जुड़ गया उसमें, अब अहंकार देखा अपने आप मैं एक जीव हूं अनुभव हुआ ना, अब उस समय वो जीव चेतन किस उपरक्त था? सुख से, अब सुख अपने में ले लिया वो, अहम सुखम अस्वा, जैसे दर्पण से लाल रंग को अपने में आप ले लेते हो, वो अहंकार जो अभी भी जगा ही है केवल कुछ देर बाद नहीं होती है बात, जगा हुआ उस चित्त के अंदर आपका जो जीव चैतन्य है साक्षी चैतन्य है उसके अंदर सुख उपरक्त, सुखोपरक्त साक्षी चैतन्य के साथ अहम जुड़ गया तो अहम सुख मस्वासम बोल पड़ा। यथा चपा कुसुम का रक्त रूपोपरक्त दर्पण में आपने चेहरा को जोड़ा तो चेहरे लाल दिखाई दिया, कितने सुंदर ढंग से व्यवस्था देते हैं, देखिए कमाल है। कहते हैं सुषुप्तो लीनत्व इत्यादि इत्यादि, पहले ही दृष्टांत ले लो, दर्पणे जपा कुसुम लौहित अध्यास है ना, दर्पण में क्या हुआ, जपा कुसुम का लौहित का अध्यास हो रखा है और उस दर्पण में आपने चेहरा देखा तो रक्तम मुखम इति प्रतीतिवद, रक्तम मुखम ऐसा प्रतीति हो गई। इसी प्रकार साक्षी चैतन्यस्य, तो साक्षी चैतन्य कैसा है हमारा, वो सुखाकार से उपरक्त हुआ है, सुखाकार से काफी समय से सोए थे वो सुखाकार उपरक्त साक्षी चैतन्य है, उसमें एकदम जग गए तो अहंकार जुड़ गया, झट झटपट जुड़ गया वो, वही साक्षी चैतन्य स्मरणाश्रयत्वात् स्मृति का आश्रय भी साक्षी चैतन्य है ना, वहां पर अहम अस्वाप्समिति सामनादिगण प्रतीति ही, वहां इसलिए क्या हुआ उसके साथ अहम सामनादिगण प्रतीति कर लिया तो अहम को उस सुख के साथ साक्षी चैतन्य विद्यमान जो सुख सुखोपराग थी उसके साथ जोड़ कर दिया, जैसे रक्त उपराग है मुख्य से आपने जोड़ लिया, सुखोपराग था उससे आपने अहम को जोड़ लिया, अहम सुखम आप समय ऐसा कथन करते हो, इसलिए अहम सुखी नहीं बोलते, जगा हुआ व्यक्ति उस समय सुख अनुभव नहीं किया ना, सुख में पूर्वक सोया था और जगा, जगा जगे हुए क्षण में उस समय किसी विशेष सुख को लेकर वो अहम सुखी नहीं बोल रहा है, और वो जो सुख था वो इस समय अनुभव में नहीं आया, केवल उस सुखोपरक्त साक्षी चेतन से अहम जुड़ा है, यहां ये जागृत अवस्था है,
इसलिए अहम सुखी नहीं बोल सकता कि इस समय अंतकरण में किसी भी विषय को लेकर के सुखाकार वृत्ति बनी नहीं है, किंतु अन्यत्रोपरक्त सुख को सत सामनाधिकरण व्यवहार मात्र कर ले रहा है। जैसे आपके चेहरे में लाल रंग तो किसी ने पोता नहीं है, होली का दिन थोड़ी है, होली में तो मान भी लिया जब लाल रंग पोता तो उसको मैंने देख लिया, होली नहीं ये मान लेना, होली नहीं था फिर भी लाल दिखाई दिया तो ये मानना पड़ेगा भाई दर्पणोपरक्त लाल रंग को प्रतिमित हो रहा है, तो क्या लेना। इसलिए न पुनर् अहम सुखी थी आश्रयतया आश्रयतया कथन नहीं कर रहा है। स्मृति संशय विपर्यायाणाम साक्षी चैतन्य आश्रयत्व नियमाद अहंकार च प्रमाण चिन्ह ज्ञानाश्रयत्व नियमाद। स्मृति संशय विपर्य इन तीनों का अधिष्ठान हमेशा साक्षी चैतन्य होता है, स्मृति का, संशय का और विपर्य का, इन तीनों का साक्षी चैतन्य आश्रयत्व नियमात और अहंकार से जो प्रमाण जन्य ज्ञान आश्रयत्व नियम, इंद्रियादि प्रमाण जन्य ज्ञान का आश्रय होता है। इसे जब जगह उस समय मैं किसी इंद्रियादि जन्य सुख को लेकर के यदि इंद्रिय जन्य सुख होता उस समय तो हम क्या बोलते हैं, अहम सुखी बोलते हैं, सुगम अस्माक्षम नहीं कर। सुषुप्ति कालीन सुखोपरक्त साक्षी चैतन्य के साथ अहम जोड़ने से अहम ने उसके साथ तादात्म्य कर लिया, सामनाधिकरण हो गया, उस पूर्वकालीन होने के नाते अस्वाप्सम करके कहता है। यदि वर्तमान काल में अंतकरण में किसी इंद्रिय से जन्य सुखागार वृत्ति के ज्ञान को लेकर के यदि अनुभव कर रहा होगा तो क्या कहता, अहम सुखी कहता, क्योंकि नियम है साक्षी चैतन्य में यह बनता है स्मृति संशय विपर्य है और अहंकार जो अंतकरण है वो प्रमाण जन्य ज्ञान का आश्रय होता है। प्रमात्रे नहीं व तत्कारिता वच्छेदात, इसलिए हम इसको प्रमाता कहते, नहीं तो प्रमाता क्यों कहे उसको, प्रमाता हम क्यों कह रहे उसको, क्योंकि प्रमात्रे नहीं व तत्कारिता अवच्छेद प्रमात्र को लेकर के प्रमाण रूपी कार्यता का अवच्छेद वह चैतन्य हो गया अंतर्गण आवचन चैतन्य, इसलिए अंतर्गण आवचन चेतन का नाम प्रमाता पड़ता है। अप्रमात्रवच्छेदन च अविद्या है, एव कारण कभी भी आपके अंतकरण में अप्रमा हो नहीं सकती, कभी अप्रमा होती है तो अविद्या में ही हुआ करती, अपनी ही अज्ञान जो हो रहा है, अपनी ही अविद्या जो है ये भी अविद्या में ही है, माया में ही है, स्वरूप में तो हो ही नहीं। कि प्रमा क्या है, चैतन्य में वो प्रमा, अत्यार्थ प्रमा को लेकर तद अवच्छेदन मुझ में प्रमातृत्व आ गया, भले मैं सोपाधिक हूं अविद्योपाधिक होने के बावजूद भी प्रमा का उत्पन्न होने के कारण संतकरण में वृत्ति के माध्यम से हमारा प्रमाता जब पड़ रहा है तो वहां पर अप्रमा कहां से आ सकती है, परस्पर विरोधा। अतएव कहते हैं अप्रमात्वच्छेदेन अप्रमा ज्ञानों का यदि कोई कारण बनता है तो वो अविद्या ही कारण हुआ करती है, अविद्या की महिमा से भ्रांतियां पैदा होती है इंद्रिय और अंतकरण के माध्यम से कभी नहीं होता। इंद्रियां तो गए बेचारे यथार्थ ग्रहण करने के लिए, इन अविद्या नाच पड़ी वहां पर क्या करोगे, विश्वामित्र गए तपस्या करने के लिए, मैंने कहा नाच पड़ी तो करे क्या, वही हाल सबका है, सब चाह रहे मैं मुक्ति को पाऊंगा, मैं ध्यान भजन करूंगा, अविद्या नाच पड़ती है, मनोराज होने लगता है, अब फिर सोचना मैं इतना बड़ा आश्रम बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर प्लानिंग शुरू हो जाता है ना, वहां कीर्तन करूंगा ज्यादा पैसा मिलता है, सोचने रिविधर गया था वो आने जाने किराया भी नहीं दिया, बेकार है वो जगह, सारी वृत्ति हमने बड़े बड़े कीर्तनकारों का कथाकारों का देखा। एक बार संत समागम हुई थी एक जगह पर, तो ईसाईकरण और इस्लामीकरण वगैरह हो रहा है ना, भयंकर हो रहा है, बड़ा विरोध चल रहा है, भयंकर बात, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, हर महात्मा अपना अपना डायलॉग मार दिया, सिनेमा एक्टरों की जैसी डायलॉग थी, किसी को जाना है नहीं, करना कुछ है नहीं। तो हमने कहा जब अपनी नंबर लगी, हमने भाई 5 मिनट बोलता हूँ ज्यादा बोलूंगा नहीं,
कि बोलने का विषय ही नहीं, करने का विषय है। तो सीधा हमने शुरू में ही कहा, हाँ जितने लोग बोल रहे हैं ना मैं इतने लाख तुम्हें इतना करोड़ दूंगा, मैंने कहा मुझे लाख करोड़ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, चलिए मेरे साथ देहात में रांची के पास चलिए, बिलासपुर चलिए, जहां पर जय संत प्रणाल उनको ईसाई बनाया जा रहा है, हिम्मत हो तो मेरे साथ चलो, मुझे पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम चलो। किसी की हिम्मत ना, मैं चलूंगा जी, दर्द मर्डर ना हो जाए, मठ कौन देखेगा। क्या देहाध्यास है, अकेले गया बिलासपुर, फिर जहां पर भयंकर स्थिति हो गई थी, टक्कर ली, विष्णुधर ने साथ दिया, आरएसएस विष्णुधर जी लोगों ने साथ दिया मुझे वहां बहुत, तब जाके हम लोग काफी कार्य कर पाए वहां पर। बड़े कैसे बेवकूफ बनाते, जय मूर्ख लोग ऐसे सीधे साधे अज्ञानी पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको क्या किया पता है, पत्थर का मूर्ति लाया, देख तेरे भगवान को डूब जाता है पानी, भगवान को डूब गया तेरा, वो तेरा क्या भला करे जो खुद डूब रहा है, तेरे को डुबा देगा वो। मैंने सारी उनकी युक्तियां सुनता रहा, सारी बातें समझे लिए, पहले फिर स्टडी करके इस शरीर को भी मर्डर करने का 3 बार कोशिश किया उन लोगों ने, 3 बार 1 महीने के अंदर 3 एक्सीडेंट जबरदस्ती कराया, प्रभु है रक्षा करने वाले। तो क्या हुआ कि हमने उसको किया, अच्छा मैं यीशु को लाता हूँ, प्लास्टिक का यीशु लाया, प्लास्टिक आग में डाल दी, अरे यीशु तो भस्म हो जाता, तेरा क्या करेगा, तेरे को भस्म कर डालेगा, ये यीशु का चक्कर मत पड़ना। तो क्या जैसे बुद्धि वैसे उपाय है ना, एकशान रूप बलि वाली बात। फिर क्या कहते वो हनुमान जी का नाम ले, हनुमान जी को मानते हो ना तुम, ये नाम लो, अरे गोली खाओ, देखो बुखार उतर जाएगा, क्या उतरा ही देखा, तेरा हनुमान कुछ नहीं कर सकता, ना से रोग हरे से पीड़ा झूठ है। और दूसरी कैप्सूल देते, लो यीशु का नाम लो, ये खाओ बुखार उतर गया। मैंने कहा समझ गया, वो एम्प्टी कैप्सूल दिया, खाली गोली होती है ना, खाली बिना दवाई का, हमने कहा अच्छा हम भी करते थे। मैं आओ भैया हमारे यहाँ भी कैंप लगाओ, मेडिकल कैंप, जो उनकी असली पेटी थी ना दवाई उनका, उसको उठा दी अपने पास ले लिया, अरे उधर लो पहले दवाई, जाओ उधर यीशु के नाम से लो दवाई, सब उधर गए लिया दवाई, कुछ नहीं, अरे इधर आओ मेरे पास, अब इधर आओ, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, हम ब्रह्मास्मि लो खाओ। क्या को पढ़ रहा है देवताओं के नाम पे, देवताओं का भी देवता है, हम ब्रह्म बोलो खाओ, योग दूर। हे महाराज तो बड़ा चमत्कार करते हैं, तो हम ब्रह्म कह करके दवाई दे दिया, सब रोग दूर हो गया, नाम हो गया, पीछे पड़ गए लोग। मैंने उनके हर युक्तियों को हम लोग इस तरह से काटे, एक महीना बड़ा परिश्रम हुआ। कहने का मतलब यह है कि हर स्तर में जहां भी जाते हैं इस प्रकार स्थितियां आती है, कहना आसान होता है करना कठिन होता है, वेदांत में भी है, पढ़ना पढ़ाना आसान होता है, जीवन में अनुभव में आना कठिन होता है। आत्म साक्षात्कार इतना साधारण बात नहीं है। मैं सुना करता हूं कबीर का एक सुंदर पद है, समय तो हो गया लेकिन चलो इसको करके खत्म कर देते हैं, बाकी आज रात निपटा देंगे। कबीरा कहता है साधक के लिए, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीठ पर, ऊंट बगल लटका, क्या संभव है ये? चींटी इतनी छोटी सी, उसके शरीर में क्या 360 किलो तेल का मालिश हो सकता है? 9 मन, एक मन में 40 किलो, 360 किलो तेल से शरीर मालिश करके चींटी चढ़ रहा पहाड़ पे, और उस चींटी के पीठ पे क्या है? हाथी। चींटी के पीठ पे हाथी हो सकता है? और चींटी बगल में क्या लटका लिया? ऊंट को लटका लिया। चींटी ऊंट कहां से लटका लेगा? शब्दावली कितनी विलक्षण, लेकिन साधक के लिए बोल रहा है ऐसा ही बात। साधक चींटी के जैसा है, मम्मे वहां से जीव लोग जीव भूत अंश चींटी है, छोटा सा है। और एक करना क्या चाह रहा है? मोक्ष चाह रहा है, मोक्ष मुक्ति, पहाड़ जैसा है मार्ग, पूरा कठिन ही कठिन है, सुर धारा निशेता कठोर, सुर की धारा के समान है मार्ग,
साधना तलवार की धार के समान मित्री कठिन, जैसे पहाड़ चढ़ना कांटे हैं पत्थर है श्वास फूल जाता है परेशान होता है आदमी जरा कठिन, वैसे ही ये भी है साधक के लिए। साधक के लिए मुक्ति का मार्ग अध्यात्म मार्ग अत्यंत कठिन है। ये समझा नहीं लड़का, चिंटी चढ़े पार। फिर आगे कहते हैं नौ मन तेल लगा चढ़ने का प्रयास कर लो, हिम्मत कर लिया, चढ़ने चालू भी कर दिया, लेकिन नौ छिद्रों के द्वारा यह मन फिसलते रहता है। नौ मन तेल लगा, मन से अब वो वजन नहीं लेंगे, मन से मन ही लेना और नौ छिद्र लेना, इन नौ छिद्रों से मन तेल जैसा लगा हुआ फिसल जाता है, वैसे हम भी फिसलते रहते हैं, बार बार बहिर्मुख होते रहते हैं। तो साधना सफल कैसे हो सकती है? एक तो फिसल भी रहा है, फिर ट्राई एंड ट्राई अगेन एट लास्ट यू विल सक्सीड। चींटी चढ़ता है फिर गिरता है, फिर चढ़ता है फिर गिरता है, फिर चढ़ी जाता है चलती जाता है, लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मैं भी कर लूंगा सोचते हो, कहते हाथी चढ़ाए पीठ कर, अरे मूर्ख तू तो इतनी बड़ी पाप की गठरी सर पर लगा हाथी के बराबर। अनेक जन्मों का पुण्य पाप की वासना तेरे ऊपर सर पर चढ़ा हुआ 24 घंटे, उसके साथ ऊंट गया तू चलता है ना सर उठा करके, या अहंकार तात्पर्य ऊंट अहंकार बगल में लिए हो, पीठ पे दिने और वासना लिए बैठे हो और सोच रहे हो इन नौ छिद्रों से बार फिसल भी रहे हो, तब भी मन में अभिलाषा है चिंटी के समान मैं मोक्ष को प्राप्त कर रहा हूं। इसलिए साधकों समझो इन चीजों को, आसान मार्ग नहीं। कल दो लड़के आए, कल हम संन्यास लेना चाहते हैं आपसे, मैंने कहा हम तो कोई दीक्षा ही नहीं दे सकते, एक ही प्रवचन इतना प्रभावित हो गया कि संन्यास की बात करने लग गया। मैंने कहा इन शब्दों के जाल में नहीं आना, हम ठगों के ठगे महा ठगे, इन्हें हमारे पास मत जाओ, भगा दिया उसका है ये समझा बुझो कि किसी तरह से टाल दिया। ये बड़ा मुश्किल होता है, सुनना आसान है समझना आसान भी हो जाए, लेकिन इस पर टिकना कठिन होता है। अविद्या या एव कारणत्वात्, जितने भी भ्रम है जितने भी अप्रमा है इसका आधार अविद्या ही होता है, आप नहीं हो सकते। यदि आप में अविद्या आ गई फिर तो कोई मिटा ही नहीं सकता है। कौन मिटाए? आप सत्य सच्चिदानंद रूप है, उसमें अविद्या घुस गई फिर तो कोई नहीं उसको मिटा सकेगा, वो भी नित्य हो जाएगी ना, इसलिए उसमें होता ही नहीं है। जितनी भी भ्रांति संसार की है, स्वरूप की कोई भी भ्रांति है, ये सब अविद्या में ही है। इस अविद्या नष्ट हो जाएंगे सारे भ्रांतियां खत्म हो जाएंगे, आप सर्वस्थिति हो सकती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महाभारत।